ये क्या मिड राइज लो राइज हाई राइज खेल रहे हो भाई? क्या मतलब, क्या अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी? 34 नंबर कमर रोल के जीन्स मिल जाती थी, क्या मिड राइज राइज खेलने लग गया? मतलब जीन्स ना हो गई, बैटमैन का सीक्वल हो गया है। सो वेलकम टू व्हाइट फुल गाइस, मेरा नाम जतिन है और आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लो राइज, अ मिड राइज एंड अ हाई राइज जीन्स। आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस पे टारगेट करेंगे। पहला क्वेश्चन कि आखिर राइज होता क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि मिड राइज लो राइज और हाई राइज में फर्क क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन कि आपके लिए कौन सा राइज बिल्कुल परफेक्ट है, मिड राइज लो राइज या हाई राइज। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है कि राइज होता क्या है, तो उसके लिए आपको अपनी जीन्स लेनी है और आपको अपने बटन से लेके यहाँ तक की लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि ये जो लेंथ आएगी इसको हम कहते हैं राइज या फिर क्रॉच एरिया। आसान भाषा में भर जाइए। अगर ये जो वेस्ट बैंड होता है, मतलब जो जीन्स का ये वाला पार्ट होता है जहाँ बेल्ट बांधी जाती है, वो जहाँ बंधता है या फिर कह लो बांधने के लिए बनाया जाता है, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी जीन्स मिड राइज होगी, लो राइज होगी या हाई राइज होगी। क्योंकि जो लो राइज जीन्स होती है उसका जो राइज की लेंथ होती है वो कम होती है, एंड हाई राइज जीन्स में जो राइज की लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन जिस पे बेसिकली ये वीडियो बेस्ड है कि लो राइज हाई राइज और मिड राइज में आखिरकार फ़र्क क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया जो वेस्ट बैंड होता है वो कहाँ बांधा जाता है या जहाँ बांधने के लिए बनाया जाता है वो डिसाइड करता है कि आपकी जीन्स लो राइज है, मिड राइज है या हाई राइज है। तो जो लो राइज जीन्स होती है वो आपके हिप्स के जस्ट ऊपर या एग्जैक्टली हिप्स पर आके रुकती है। जो मिड राइज जीन्स होती है वो आपके हिप्स और बेली बटन के कहीं बीच में आके रुकती है, एंड जो हाई राइज जीन्स होती है वो आपके बेली बटन के ऊपर या उससे थोड़ा सा ऊपर आके बांधी जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपके लिए कौन सा राइज परफेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा हम थानोस भाई की एक बात याद करें जिनके ऊपर उनकी पूरी जिंदगी बेस्ड थी। This whole thing should be. जी हाँ, हमें भी अपने पूरे आउटफिट में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहिए। मतलब बैलेंस से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि हमारे जो ऊपर से लेके नीचे तक आउटफिट होते हैं वो हमें एक प्रपोर्शंस मेंटेन करके रखने चाहिए अपने। प्रपोर्शंस मेंटेन करने से मेरा क्या मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जिनका जो टॉर्सो जो ऊपर अपर बॉडी का पार्ट होता है वो जो होता है वो लंबा होता है और पैर छोटे होते हैं, एंड कुछ लोगों के केस में पैर लंबे होते हैं एंड अपर बॉडी जो है वो छोटी होती है। तो वो चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रपोर्शंस को मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड लो राइज हाई राइज मिड राइज हमें वही मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो आपको क्या करना है कि एक मिरर के आगे खड़े हो जाना है और आपको देखना है कि आपकी अपर बॉडी ज़्यादा लंबी है या फिर आपकी लोअर बॉडी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आपको लो राइज जीन्स चाहिए, आपको हाई राइज जीन्स चाहिए या फिर आपको मिड राइज जीन्स चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई राइज जीन्स की। हाई राइज जीन्स जो होती है उसका जो वेस्ट बैंड होता है वो हमारे बेली बटन के ऊपर या उससे थोड़ा सा ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पेट है और जो हमारे लव हैंडल्स हैं वो अच्छे से छुप जाते हैं हमारे हाई राइज पैंट्स के थ्रू। हाई राइज पैंट के एक और फायदा है वो ये कि जो आपके पैर होते हैं वो थोड़े से लंबे दिखाते हैं। तो अगर आपका टॉर्सो लंबा है और आपके पैर छोटे हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो हाई राइज पैंट्स आर परफेक्ट फॉर यू। बट छोटा सा बट है वो ये कि अगर आप आज के टाइम में हाई राइज पैंट्स पहनेंगे या जीन्स पहनेंगे तो या तो आपको लोग बहुत पड़ाकू समझेंगे या फिर आपको लड़की समझा जाएगा। मतलब आजकल हाई राइज का जो ट्रेंड है वो लड़कियां ज़्यादा अच्छे से कैरी कर पाती हैं एंड वो बहुत औसम लगती है। तो इसका मतलब क्या हम ये समझे कि हाई राइज पैंट्स हम पहन ही नहीं सकते? नहीं, कुछ ओकेजन्स होते हैं, कुछ ड्रेसेस होती हैं जिन और कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप हाई राइज पैंट्स पहन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सूट सिलवा लिया एंड उसमें आपने अपनी जो पैंट रखी वो हाई राइज रखी, तो और आपने अपना सूट का उठ का बटन कर लिया बंद, तो वो जो आपकी लुक आएगी वो आएगी मस्त, एकदम सेक्सी। क्योंकि जो आपकी हाई राइज पैंट होगी वो आपके पैरों को तो लंबा दिखाएगी ही दिखाएगी, एट द सेम टाइम आपके एक सूट के साथ ब्लेंड होके वो आपको एक यूनिफॉर्म लुक देगी जो कि एक मोनोक्रोमेटिक आउटफिट की तरह भी काम करेगा। बट अगर आपने वो बटन खोल लिया तो शायद चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाए पुल ऑफ करने के लिए, बट दैट इज़ ऑब्वियसली आपका पर्सनल स्टाइल है। अगर आपको लगता है कि आप हाई राइज पुल ऑफ कर सकते हो तो
Why not? तो अब हम बात करते हैं लो राइज जीन्स की. लो राइज जीन्स क्या होती हैं? जो आपके हिप बोन के जस्ट ऊपर या फिर हिप्स के ऊपर एग्जैक्टली लाई करती हैं. तो लो राइज आजकल इतनी ज़्यादा ट्रेंडी है कि मतलब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो 10 में से 7 लोगों के पास तो लो राइज जीन्स होगी ही होगी. एंड जाने अनजाने चाहते ना चाहते हुए आपने भी लो राइज जीन्स खरीद ही ली होगी. तो इतनी ज़्यादा ट्रेंड में आजकल लो राइज जीन्स हैं. तो लो राइज जीन्स जो होती है थोड़ा सा यंग लुक देती हैं, थोड़ा सा आपके अंदर के एकदम लौंडे को बाहर निकाल के लेकर आती है. तो अगर आप थोड़े से एज में बड़े हैं, फॉर एग्जांपल 30 एंड अबव है, तो आपको लो राइज प्रेफर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो एक मैसेज देता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं यंग देखने का. तो ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर एज, दिल जवान होना चाहिए, बाकी तो सब ठीक ही है. और अगर आपकी हाइट कम है तो भी आपको लो राइज जीन्स नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि लो राइज जीन्स फिर आपको और छोटा दिखाएगी, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए. अगेन, अगर आपको मेन्स फैशन, शॉर्ट मेन फैशन के बारे में और जानना है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं मिड राइज जीन्स की. मिड राइज जीन्स जो होती है वो आपके टॉर्सो पे बेली बटन से थोड़ा सा नीचे और आपका जो हिप बोन है उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब कहीं बीच में लाई करती है. मिड राइज जीन्स जो होती है वो हम लड़कों के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हाई राइज जीन्स के बदले, क्योंकि जस्ट लाइक हाई राइज जीन्स ये आपके मफिन टॉप भी छुपा लेती है या आपका निकला हुआ पेट भी छुपा लेती है. जिन भाइयों की हाइट कम है उनके लिए भी बेस्ट है, और जिन भाइयों की जो टॉर्सो एरिया है वो बड़ा है, पैर छोटे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी 20-25% एरिया आपका जीन्स में ही कवर हो जाता है टॉर्सो का. तो वो भी आपका पर्पज़ पूरा करती है मिड राइज जीन्स. कभी आपने नोटिस करा होगा जैसे आप शर्ट पहनते हैं तो साइड में वो मफिन टॉप की तरह उस शर्ट साइड से निकल जाती है ना, तो वो क्यों होता है? तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि हम जो जनरली पैंट्स पहनते हैं वो लो राइज पैंट्स होती है, एंड वो हमारे हिप बोन के जस्ट मतलब कमर के एग्जैक्टली ऊपर आके रुक जाती है. तो जो हमारे लव हैंडल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं. तो उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में सो कॉल्ड कमियाँ हैं हमारे कपड़े उनको पूरा नहीं कर पाते हैं. तो मिड राइज जीन्स जो होती है वो आपके लव हैंडल्स को दबाती है, आपके पेट को थोड़ा छुपाती है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप मिड राइज जीन्स को शर्ट के साथ पहनेंगे तो वो आपको मफिन टॉप वाली प्रॉब्लम भी नहीं आएगी. तो आज के लिए वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. भाई बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं जब आपका एक सब्सक्राइब आता है ना, तो छोटे चैनल में तो एक सब्सक्राइबर भी इतनी खुशी दे देता है ना भाई, क्या मतलब क्या ही बताऊँ मैं. और अगर आपके पास आगे फ्यूचर वीडियोज़ के लिए कोई सजेशन हो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो देंगे तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा. और आप मुझे बताइएगा कि आपको कितनी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी लोअर राइज, मिड राइज, हाई राइज चूज़ करने में, कोई सा राइज दे दे भाई, क्या ही फर्क पड़ रहा है. तो इस वीडियो के बाद मैं भी थोड़ा सा ऐसा शिक्षित हुआ हूं कि हाँ कौन से राइज मेरे लिए परफेक्ट है, कौन से राइज की जीन्स मुझे पहननी चाहिए, और राइज होता क्या है. तो अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और आगे की वीडियोस आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहेंगे. थैंक यू.